नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ CBRI की आई वैकेंसी के बारे में, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। गाइस यहाँ पर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। यहाँ पर गाइस बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है, सैलरी बहुत अच्छी रखी गई है। पूरी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताऊँगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर बात कर लेती हूँ फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि की बात। तो यहाँ पर जो है तो 7 अगस्त तक जो है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए अब बात करूँगी मैं कौन सी पोस्ट आई हुई है, क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट रखी गई है एंड क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट आई हुई है JSAG की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जनरल में आई हुई है। गाइस यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट रखी गई है जो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। यहाँ पर सैलरी आपको 19,900 से लेकर 63,200 पर मंथ मिल जाएगी। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की तो 10+12 एंड यहाँ पर गाइस जो है तो आपसे मांगा हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर में टाइपिंग आपको जो है तो आनी चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट आपको जो है तो टाइपिंग आना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर बात करूँ 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आई हुई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल में यहाँ पर आई हुई है, जिसमें यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है, जनरल एंड OBC कैटेगरी दोनों के लिए हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो है तो सैलरी आपको वही रखी गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ 10+2 आपसे जो है तो मांगा हुआ है। यहाँ पर गाइस जो है तो एज लिमिट की बात करूँ 28 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आए हुए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जनरल में, जिसमें सैलरी आपको 19,900 से लेकर 63,200 मिल जाएगी एंड यहाँ पर जो है 10+2 आपसे मांगा हुआ है। यहाँ पर कंप्यूटर में टाइपिंग आपको जो है तो आनी चाहिए, आप देख सकते हैं। एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल में आई हुई है, जिसमें यहाँ पर जो है तो 1 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस जो है तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आई हुई है, जिसमें 1 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। यहाँ पर 10+2 आपसे मांगा हुआ है। हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट्स, इंग्लिश में आना चाहिए आपको टाइपिंग एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर स्टोर परचेस में आई हुई है, जिसमें 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में आई हुई है गाइस, जिसमें यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें आपको सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये मिल जाएगी एंड यहाँ पर एज लिमिट 27 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में आई हुई है गाइस, जिसमें 1 पोस्ट रखी गई है जो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। सैलरी आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपये मिल जाएगी एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, 10+2 आपसे मांगा हुआ है। यहाँ पर गाइस जो है तो आपको शॉर्ट हैंड इन हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग आपको जो है तो 50 मिनट्स में 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइपिंग राइटिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर में आना चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ 27 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सैलरी रखी गई है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है तो जॉब रिक्वायर्ड की गई है कि अगर आपको यहाँ पर जो आपको काम करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, अगर उससे एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा तो भी आपको जो है तो करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँगी दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देख लेती हूँ। यहाँ पर पोस्ट कोड JSA फाइनेंस में, फाइनेंस अकाउंट्स में एंड JSA SP में यहाँ पर जो है तो आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर बेस पर। दोस्तों यहाँ पर जो है तो टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा, इसके बाद जो है तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइस जो है तो 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पर गाइस जो है तो फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 200 रखा जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बता दें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है तो टेस्ट कैरी, मैक्सिमम यहाँ पर गाइस जो है तो 150 मार्क्स से आपके जो है तो लगने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर JSA 9, 10 एंड JSA 11 कोड नंबर यहाँ पर जो है तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है तो आपसे कम्पिटेटिव एंड रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जाएगा।
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको और जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है तो देख सकते हैं। एज में छूट आपको मिल जाएगी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स की एज में छूट मिल जाएगी। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है दोस्तों ये बता देती हूँ आपको। आपको जो है तो ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म को फिलअप करना है, ये आपको वेबसाइट दी गई है, इसके थ्रू भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप इसके जो है तो पोर्टल में जाकर आप जो है तो सी बी आर आई की पोर्टल में जाकर आप जो है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपसे जो है तो ली जाएगी। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है तो 7 अगस्त रखी गई है, इससे पहले जो है तो आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।